पूंजीवाद का असली चेहरा दिखना हो तो आप आईपीएल को देख लें। मैं क्यों कह रहा हूं, अभी हाल फिलहाल का विवाद केएल राहुल का है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, छोटा सा वीडियो है, जरूर आप देखें। जब भारतीय खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, बांग्लादेश के साथ खेलते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, तो देश उन्हें भर भर के प्यार देता है। लेकिन जब वही खिलाड़ी बिकने आता है, अपना एक्शन लगाता है, अपनी कैपेबिलिटी तय करता है, हाँ मुझे इतने रुपए चाहिए, तो उनको क्रेता यानी कि उनको उनका मालिक परचेस कर लेता है, अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन मालिक और जो खिलाड़ी का संबंध है, अगर आप उनको आसानी से समझना चाहें तो वो इम्प्लाई और इम्प्लॉयर के बीच में है। जी हाँ, हाल फिलहाल मैं केएल राहुल की बात करता हूं कि जो लखनऊ टीम से खेल रहे हैं, उनके मालिक ने उनको बुरी तरह से फजीहत किया है। यह पहली बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, हर आईपीएल जब भी आईपीएल होता है इस प्रकार की चीजें आती हैं, चाहे वो कलकत्ता में जब सौरभ गांगुली रहे हों, चाहे वो पंजाब राइडर के समय में भी विवाद रहा है। तो हमें एक वीडियो के माध्यम से इनको और अच्छे तरीके से देखने की आवश्यकता है, जिन्हें आप ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन अगर इनके मालिक को हम लोग ध्यान से देखें तो इनका बिहेवियर देखिए, ठीक, और फिर केएल राहुल की मासूमियत देखिए। क्रिकेट है, गेम है, गेम में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरीके का जो बिहेवियर इनका मालिक दिखा रहा है वो सरासर गलत है। मैं खिलाड़ी के साथ हूं, अब यहां पे एक्सप्रेशन देखिए, इन्होंने इनको परचेस कर लिया है अपनी टीम के लिए। यह जो परचेजिंग है और ये जो बिकने की सिलसिला है अपने कीमत लगाकर, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म। जब भी कैपिटलिज्म आता है तो वहां पे न तो देशभक्ति होती है, न तो राष्ट्रवाद होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये प्लेयर अपने मालिक के लिए खेलते हैं। यदि ये प्लेयर अपने मालिक के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हैं, यानी अच्छा खेल नहीं कर पाते हैं, तो इनका मालिक इनके साथ ऐसे ही बिहेव करता है। लेकिन इनके मालिक को भी सोचना चाहिए था कि भाई क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, लोगों का प्यार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी हैं, लेकिन इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। लेकिन हाँ, ये पूंजीवाद का एक मैं हमेशा कहता हूं, ये पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जब ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनको पूरा हमारा सोसाइटी भर भर के प्यार देता है, लेकिन जब ये अपने मालिक के लिए खेलते हैं तो इनका मालिक इनके साथ क्या व्यवहार करता है, इस पर मैं और अधिक बोलने की स्थिति में नहीं हूं। नमस्कार।